नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जनता के बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा का पाखंड बताया। स्वामी प्रसाद ने कहा, एक टीवी डिबेट में एक संत कह रहे थे कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पत्थरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। डिबेट में एक SP नेता भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्राण जो परिवार के सदस्य मर गए हैं उनकी प्रतिष्ठा की जानी चाहिए और फिर वे हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। यदि प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर जीवित हो जाता है तो मृत व्यक्ति चल क्यों नहीं सकता? ये सब दिखावा और पाखंड है। लोग सोचते हैं कि वे महान हैं प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान से भी। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जिसकी पूजा करो